प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। तो आज मैं आपको 134A के तहत जो हरियाणा में दाखिले हुए हैं उन दाखिलों के लिए आपको क्या क्या कागजात चाहिएंगे उनके बारे में बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके काफ़ी काम आएंगे, तो चलिए देखते हैं। कहता है नियम 134A के तहत प्राइवेट कॉलेजों में विद्यार्थियों के दाखिले के वक्त जरूरी दस्तावेज। जिन विद्यार्थियों का चयन नियम 134A के तहत किसी भी प्राइवेट विद्यालय में हुआ है उन्हें 16/12/21 से 24/12/21 के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ेगी। इसका मतलब है आपके पास 8 दिन का समय है तथा अन्य सभी औपचारिकताएं भी पूरी करनी होगी। यदि कोई चयनित विद्यार्थी तय तिथि तक आवंटित विद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाता है तो उसका चयन रद्द समझा जाएगा, वह आवंटित विद्यालय की सीट को रिक्त माना जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको 16 तारीख से लेकर 24 तारीख से पहले पहले उस विद्यालय के अंदर संपर्क करना पड़ेगा। तो विद्यालय को आवंटित विद्यालयों में निम्नलिखित दस्तावेजों की ओरिजिनल कॉपी और एक एक फोटोकॉपी अपने साथ लेकर जानी जरूरी है। नंबर 1 पे आपको लेकर जाना है ऑनलाइन भरे गए फार्म का प्रिंट आउट, जो आपने ऑनलाइन फार्म भरा है उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। दूसरा, आपने जो कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। जो भी बच्चा कोई एससी कैटेगरी का वो एससी का, बीसी का बीसी का, या जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से पीएच कैटेगरी का, या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है जो, उनका अपना सर्टिफिकेट है वो लेके जाएगा। और यह सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिएगा आपको उस समय। दूसरा, आपको तहसीलदार के द्वारा जारी 2 लाख रुपये से कम, ये कम नहीं है, कम आएगा प्रमाण पत्र, ऐसा इनकम सर्टिफिकेट चाहिएगा जिसमें आपकी आय 2 लाख से कम हो, और एक गरीबी रेखा से नीचे का वैध राशन कार्ड, EWS सर्टिफिकेट, ये जो भी आपके ऊपर लागू हो रहा है। अगर आप BPL श्रेणी में आते हो, बिलो पॉवर्टी लाइन में, तो BPL का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, अपना राशन कार्ड लेके जाएंगे, और अपने जो बच्चा है उसका जो जन्म प्रमाण पत्र है, छात्र बर्थ प्रूफ है, उनमें से इनमें से किसी एक को आप लेके जा सकते हो, जो कि विद्यार्थी का आधार कार्ड हो, जन्म प्रमाण पत्र हो जो सिविल हॉस्पिटल से जारी किया जाता है, आंगनवाड़ी रिकॉर्ड हो, या अस्पताल की जो नर्स सहायक का रजिस्टर का रिकॉर्ड है उसको, या माता पिता द्वारा आप इसका जन्म तिथि का शपथ पत्र भी दे सकते हो, अर्थात एफिडेविट भी दे सकते हो। और निवास के स्थान के रूप में आपको आधार कार्ड देना है, मूल निवास प्रमाण पत्र अगर आपने हरियाणा डोमिसाइल बनवा रखा है तो वो दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, बिजली का बिल दे सकते हो, या रेंट एग्रीमेंट है तो वो भी आप जमा करवा सकते हो। और इसके साथ साथ आपको माता पिता का प्रमाण पत्र में माता पिता का आधार कार्ड लगा सकते हो, पैन कार्ड लगा सकते हो, या उनकी जो वोटर आईडी है उसका फोटोकॉपी आप इसमें जमा करवा सकते हो। और पिछली कक्षा की मार्कशीट केवल उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने पिछली कक्षा किसी सरकारी विद्यालय से पास किया तथा जिनका 5 दिसंबर 2021 को एग्ज़ाम नहीं हुआ था। ऐसे विद्यार्थियों को अपनी पिछली कक्षा जिस भी सरकारी विद्यालय से पास किया हो कि मार्कशीट या उसी सरकारी विद्यालय के लेटर हेड पर विद्यालय के प्राचार्य या मुख्य अध्यापक द्वारा प्रमाणित व सत्यापित प्रमाण पत्र जिसमें विद्यार्थी के सभी डिटेल और प्राप्त अंकों को वही प्रतिशत दर्शाया गया जो कि उसने ऑनलाइन फॉर्म में भरा हो। तो यहाँ पे जो ये बात आपने गौर करनी है कि जब आप अगर आप सर्टिफिकेट लेके आते हो तो आपके सर्टिफिकेट में वही डिटेल होनी चाहिए जो डिटेल आपके ऑनलाइन फार्म के अंदर है जो कि उसने ऑनलाइन फार्म में भरी हो। और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट फॉर ऑल सर्टिफिकेट ऑल स्टूडेंट, वर्तमान स्कूल का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे पिछला सरकारी हो या गैर सरकारी हो। तो आपको स्कूल छोड़ने का SLC भी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र वर्तमान सत्र का होना चाहिए, अर्थात जो आपका स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र है वो इसी सत्र का होना चाहिए, तभी आपका काम चलेगा। और विद्यार्थी इस साल जिस कक्षा में पढ़ रहा है उसकी कक्षा का SLC उसको उस विद्यालय में देना होगा जिसमें उसका चयन हुआ है। अभिभावक भी यह सुनिश्चित कर लें कि विद्यार्थी का SLC इसी सत्र का हो, मतलब 2020-21 की आपको SLC चाहिएगी, तथा वेड्रा में निर्धारित कक्षा के समान ही हो। यदि दाखिले के समय आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज जाली पाए जाते हैं या फर्जी पाए जाते हैं या ऑनलाइन भरे गए फार्म से अलग मिलते हैं तो विद्यार्थी का दाखिला रद्द कर दिया जाएगा। ये इसका एक अंतिम बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। और ये आपको आदेश दिए गए जिला शिक्षा अधिकारी सोनीपत से, DO सोनीपत है। तो ये जो DO साहब ने आदेश दिए हैं ये सभी हरियाणा के सभी स्कूलों के लिए मान्य है, चाहे वो किसी भी ज़िले में हो बच्चा। तो इसमें आपको अगर आप दोबारा से देखें तो एक तो आपको ऑनलाइन फार्म का प्रिंट चाहिएगा, एक आपको अपनी जो कैटेगरी है SC है BC उसका सर्टिफिकेट चाहिएगा, एक आप अपने को बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो चाहिएगा, उसमें आप आधार कार्ड भी दे सकते हो
या आपको जन्म प्रमाण पत्र है तो वो दे सकते हो, और अगर दोनों ही चीज़ें नहीं है तो आप माता पिता के द्वारा एफिडेविट भी दे सकते हो। निवास के प्रमाण पत्र में आप अपने आधार कार्ड दे सकते हो, अपने पिता का आधार कार्ड दे सकते हो, अगर मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा रखा तो वो दे सकते हो। माता पिता का प्रमाण पत्र के लिए आपको माता और पिता दोनों का आधार कार्ड दे सकते हो, दोनों का वोटर कार्ड दे सकते हो, या दोनों के पैन कार्ड भी दे सकते हो। और पिछली कक्षा की मार्कशीट चाहिएगी तो जिस स्कूल से आपने जो क्लास जिस क्लास में उस क्लास की आपको एक SLC चाहिएगी वो साथ में डॉक्यूमेंट, और ये सारी चीज़ आपको जमा करवा के आपको 24/12 से पहले पहले उस स्कूल के अंदर आपको जमा करवानी है जिस स्कूल में आपका एडमिशन होगा। और इसकी आपको 2 कॉपी लेके जानी है, 2 सेट बना लें सभी का, और साथ में आपको 2 फ़ोटो भी लेके जानी है बच्चे की, 2 फ़ोटो भी चाहिएंगी, 2 फ़ोटो भी चाहिएंगी, 2 फ़ोटो, बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का माँ बाप का आधार कार्ड, SLC स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, और ओरिजिनल फार्म ओरिजिनल फार्म चाहिएगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिएगा, और जिस भी कैटेगरी से बच्चा है उस कैटेगरी का उसको एक जैसे SC या BC का या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसका प्रमाण पत्र भी उसको साथ में लगाना पड़ेगा, ओरिजिनल भी लगाना पड़ेगा, और प्रत्येक की 2-2 कॉपी चाहिएगी आपको, 2 कॉपी भी आपको होनी चाहिए आपके पास। तो इसी के साथ आज का ये जो एजुकेशनल वीडियो है ये आपका समाप्त होता है। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।